देखना चाहते हो सीधा, चलो देख ही लो। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीक्षा लिमिटेड, इट इज माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आई हूँ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं कुछ ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने ऑनलाइन ली हैं। फेस्टिव सीजन आ रहा है, जैसे कि आपको पता है दिवाली आ रही है, और दिवाली के दिनों में हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, घर घर में शॉपिंग होती है, अलग अलग खाने की चीज़ें होती हैं। और दिवाली का जो ये जो फेस्टिव सीजन है ना, इसमें बहुत सारी शॉपिंग की जाती है, बहुत धूम मचाई जाती है और बहुत सही वाला माहौल होता है इन दिनों में। तो मुझे रिक्वेस्ट ऐसे आ रहे थे कि आपके पास जितने भी कुर्तीज हैं ये वो करके तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा, मैंने जो भी मार्केट से लिया है, मेरे पास जितनी भी कुर्तीज हैं जो मार्केट से हैं, तो अगर मैं वो आपको दिखाऊंगी और अगर आपको वो पसंद आती है तो आप उनको ले भी नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ड्रेसेस जो मुझे लेनी ही थी, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास ड्रेसेस नहीं थी। कुर्ती वगैरह तो है, लेकिन पंजाबी ड्रेसेस या जो नए पैटर्न्स, नया जो ट्रेंडिंग में है अभी चल रहा, तो वो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन लिया जाए। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक साड़ी शेयर की थी, जिस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग से सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ज्वेलरी मिलती हैं, साड़ीज मिलती हैं, ब्लाउजेस और अलग अलग डिज़ाइनर ड्रेसेस भी मिलते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम ही देख रखा था उस वेबसाइट पे, और मैंने सोच भी रखा था कि मुझे साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, और ब्लाउज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, फैब्रिक वगैरह फिनिशिंग बहुत सही वाली थी। तो मैंने सोचा कि मुझे ड्रेसेस भी वहाँ से ही लेने चाहिए, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मैंने उनसे शॉपिंग करी थी साड़ी ब्लाउज, जो जैसे कि मैंने आपको बोला साड़ियाँ शॉपिंग करके उनके प्रोफाइल का नाम है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। पता है मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं कि मैं अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करूँ, वहाँ से कुछ चीज़ें चॉइस करूँ, क्योंकि हम वुमेंस का कैसा होता है आपको पता है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक एक दो ड्रेसेस से हमारा मन नहीं भरता, हमें बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के बाद फिर कहाँ जाके हम दो तीन ड्रेसेस उसमें से चॉइस करते हैं और फिर लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के अलग अलग ऐप्स होते हैं, उसमें कैसा होता है बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं ड्रेसेस को लेके, साड़ीज को लेके, तो हमारा कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। तो हम देखते रहते, तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं था, और इसलिए मैंने जब उनसे बात करी ना, वो साड़ियाँ शॉपिंग करके जो प्रोफाइल है वो बहुत सही से व्हाट्सएप पर चैटिंग करती है, हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे देती हैं। मैंने सिर्फ उनको बोला कि मुझे किस टाइप का ड्रेस चाहिए, किस कलर में चाहिए, ये वर्क करके, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए अलग अलग वाले, और मैंने तब जाके उसमें से चार ड्रेसेस चॉइस करे हैं, और एक ब्लाउज मैंने चॉइस किया है, और मैं ज्वेलरी भी लेने वाली हूँ फिर, क्योंकि दिवाली में मुझे बैंगल्स वगैरह वो बहुत कुछ चाहिए होगा, मैं मेकअप लुक भी क्रिएट करने वाली हूँ, तो इस वजह से। तो आज मैं आपको ड्रेसेस दिखाने जा रही हूँ, कि जो पहला ड्रेस है वो ये है, और मुझे ना वो सभी ड्रेसेस इतने सही वाले लगे हैं, इतने प्यारे ड्रेसेस हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इतनी लकी हूँ ना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि फैब्रिक अलग मिल जाता है, जो हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलता, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, फिर रिटर्न करवाना पड़ता है, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर रिफंड कब होता है कब नहीं होता, ये सारी झंझट में मुझे नहीं पड़ना पड़ता, और जो भी होता है ऑनेस्टी और अच्छे वाले फैब्रिक के साथ मुझे रिसीव होता है। और ये जो वेबसाइट है ना, अब मुझे बहुत से लोगों ने ये भी बताया और कमेंट्स में भी आया कि आप ना मीशो ऐप का कुछ करो, वेबसाइट मीशो ऐप से कुछ ड्रेसेस मंगाओ, या मीशो ऐप भी बहुत सही वाला है। लेकिन वहाँ पे कैसा होता है ना, अलग अलग सेलर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, अलग अलग टाइप के सेलर्स होते हैं, उनके पास अलग अलग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम उनका डेफिनेटली नहीं बता सकते, श्योरली हम उनका कुछ फैब्रिक का नहीं बता सकते, हर किसी के पास अलग अलग फैब्रिक वाले ड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन मुझे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा इसलिए आया है क्योंकि वो ऑनेस्टली सब कुछ अच्छे से बताती हैं, और फैब्रिक के बारे में भी बताती हैं, और हमें मुझे तो पर्सनली जितनी भी चीज़ें आई हैं बहुत सही वाली चीज़ें आई हैं, जैसे कि आज आपको देखिए पता चलने वाला है कि कितनी प्यारी चीज़ें मेरे पास, कितने प्यारे ड्रेसेस मेरे पास आज आए हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि ये जो ड्रेसेस हैं ये मुझे एक वीक पहले ही रिसीव हुए हैं, मैं अनबॉक्सिंग करना चाहती थी, रिव्यू देना चाहती थी, ड्रेसेस दिखाना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना पहन के ही दिखाया जाए, फिर उसके बाद मैंने फिटिंग करे, और मैंने जितने भी ड्रेसेस लिए हैं वो एम साइज़ में लिए हैं, मीडियम साइज़ वाले, और कॉटन है प्योर, क्योंकि आपको पता है कि मुझे चुभने वाला या हार्ड वाला फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं सूट होता, और अच्छा भी नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जहाँ से ये ड्रेसेस परचेस किए हैं, मैं जहाँ से शॉपिंग करी हूँ, वो ऑनेस्टली सब कुछ हमें दे देते हैं, सब कुछ मुझे वैसा ही मिलता है जैसे मुझे चाहिए होता है, और मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुई हूँ। साथ ही साथ आप भी बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मैं जो भी ड्रेसेस लेती हूँ ना, बहुत चुन चुन के लेती हूँ, बहुत सोच समझ के लेती हूँ, तो मैंने बहुत सोचा है इन ड्रेसेस को लेके, क्योंकि आखिरकार हमें पैसे
देने पड़ते हैं, हमारे पैसे कैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो हमें जो भी मिलना चाहिए वो अच्छा ही मिलना चाहिए, यही सोचेंगे ना। तो मैंने बहुत सोचा था, बहुत चुन चुन के मैंने ड्रेसेस चॉइस किए हैं, और आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किए हैं अगर आपको वही पसंद आए तो आपको दूसरे ड्रेसेस देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने जो भी ड्रेसेस मंगवाए हैं वो सभी ड्रेसेस इतने प्यारे हैं ना कि आपको दूसरे वाले ड्रेसेस पसंद ही नहीं आएंगे, ये मैं श्योरली आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत सही वाले ड्रेसेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, ये येलो कलर का दुपट्टा है, उस पर इतनी प्यारी सी प्रिंट है, और पूरा कॉटन वाला फैब्रिक है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये इस फैब्रिक का क्या नाम था, रेयन, रेयन करके कुछ, रेयन कॉटन का नाम है, रेयन सिल्क करके नाम है, हाँ रेयन कॉटन, रेयन सिल्क ऐसा कुछ करके है। लेकिन बहुत सही वाला फैब्रिक है, इतना सही वाला ड्रेस है ना, इसको मैंने वेयर करके भी वीडियो निकाली है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे बोलने के बाद। तो मैंने वेयर करके दिखाया है, और ट्राई ऑन हॉल जिसे हम कहते हैं वो भी करके मैंने दिखाया है, और आपको मैंने बातों से भी बताने वाली हूँ किस तरीके के ड्रेसेस है ये। तो ये रेयन कॉटन है, और ये प्योर कॉटन का दुपट्टा है, यहाँ पे आपको इस तरीके से लटकन्स आएंगे कॉटन वाले, जिससे बहुत अच्छा लगता है दुपट्टा ओढ़ने के बाद। और ये मेरा नया लुक है, आपको कैसा लगा, मैंने हेयर्स मेरे चेंज किए हैं और ये ड्रेस के ऊपर बहुत सही जा रहे हैं एक्चुअली। उसके बाद मैंने ये ब्लाउज लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत एक साल हुआ है, मैंने तब से कोई भी ब्लाउज नहीं स्टिच करवाया है, हालांकि मेरे पास इतने सारे ब्लाउज पीस पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सी नई साड़ियाँ ली हैं, लेकिन उनके ऊपर जो ब्लाउजेस थे वो मैं सिलवा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जिनके पास मैं जाती हूँ वो खुद एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, और मैं उनके अलावा कहीं पे भी नहीं जाती क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैं बहुत सालों से उनसे ब्लाउजेस सिलवा रही हूँ, रेडीमेड लिया तो लिया, नहीं तो उनके पास ही सिलवाती हूँ, तो उनको खुद को कोरोना हुआ है तो मैं उनके पास नहीं जा पा रही हूँ, और उन्होंने भी उनका बुटीक अभी तक ओपन नहीं किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अलग सा कुछ ट्राई किया जाए, तो उनसे मैंने ब्लाउज भी मंगवाया था, और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत कम प्राइस है, और मैंने इसको वेयर भी करके देखा था, इतना प्यारा लग रहा है ये ब्लाउज, मैं इतनी हैप्पी हूँ ना इसको भी लेके। ये इस तरीके का डिज़ाइन आएगा, यहाँ पे ये डिज़ाइन है फ्रील वाला, प्लेट्स ले लेके डिज़ाइन किया हुआ है जो यहाँ तक आता है, इतना सही वाला लगता है वेयर करने के बाद। मेरे पास मैचिंग साड़ी है इसको लेके, प्राइस मुझे लगता है 450-500 तक है, ये करके कुछ है, तो ये पैसा वसूल इसलिए है क्योंकि इसमें डबल फैब्रिक आएगा, अंदर से अस्तर भी आएगा, और ये इस तरीके से पैड्स भी उन्होंने लगाए हुए हैं पहले से ही, और स्लीव्स भी हमें उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, आप अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, 3 इंच तक आपको स्लीव्स मिलेगी इसमें। तो बहुत सही वाले फैब्रिक के साथ ब्लाउज भी मुझे रिसीव हुआ है, 100% सेटिस्फैक्शन हो जाता है जब भी हमें इस तरीके से फैब्रिक के साथ प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाते हैं, क्लोथ रिसीव हो जाते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इसको भी लेके। तो ये मेरा सेकेंड परचेस था, देन तीसरा है, बापरे मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में आपको, आई हैव नो वर्ड्स यार। ये देखो मैं सीधा करके दिखाती हूँ, मैंने एक्चुअली इसको वेयर किया था वीडियो निकालने के लिए। तो ये मेरा दूसरा ड्रेस है, और ये ढंचन, ये मेहंदी कलर में है, और आप देख सकते हो मेरे ऊपर ये कितना जच रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे पास इस तरीके का, इस कलर का ड्रेस अभी तक नहीं था, पहली बार मैं इस कलर का ड्रेस वेयर कर रही हूँ, और इसके ऊपर जो प्रिंट है ना वो सुनहरी फ्लावर वाली प्रिंट है, बिल्कुल भी चुभने वाली इरिटेटिंग वाली प्रिंट नहीं है, और ये जो है रेयन फैब्रिक है इसका, और
3-4 स्लीव्स आएंगी। ये मीडियम साइज में मैंने लिया था। ये इस तरीके का टॉप आएगा। इतना प्यारा कलर है, इतना प्यारा फैब्रिक है इसका। बॉटम दिखाती हूँ, ये देखो। नीचे से इस तरीके से फ्रिल आएंगी, प्लाजो जिसे हम कहते हैं। इस पर भी आपको इस तरीके का प्रिंट मिलेगा। वीडियो में आपको आइडिया मिलने वाली है कि ये वेयर करने के बाद लगता कैसे है आखिर। तो ये प्लाजो है, सेम फैब्रिक है प्लाजो का भी। और सबसे इम्पोर्टेंट और प्यारी वाली बात यह है ना कि मेरा कैसा होता है, मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मैं मटेरियल कुछ लेती हूँ, अगर पंजाबी ड्रेस मुझे सिलवाना हो, कुछ पंजाबी ड्रेस टाइप कुछ अगर मुझे सिलवाना हो, तो मैं पहले उसके ऊपर दुपट्टा देखती हूँ। भले ही जो टॉप होता है, जो बॉटम होता है, सिंपल सोबर सा हो, लेकिन मुझे जो दुपट्टा है ना वो डिज़ाइनर कुछ चाहिए होता है। तो मैं जब भी ड्रेस लेती हूँ पहले दुपट्टा देखती हूँ, दुपट्टा है कैसा, उसके ऊपर मेरा ड्रेस को लेना डिपेंड करता है। और इसके ऊपर जो दुपट्टा है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा वाला दुपट्टा है ये यार। हालांकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, छोटी है, बट ये इतना सही वाला लुक देता है, इतना प्यारा लुक देता है ये। ये देखो, ये इस तरीके से प्रिंट आएगी। यहाँ पे मनी वर्क है, मनी वर्क की ये छोटी सी लेस आएगी और ये प्रिंट है। और ये देखो 2 मीटर तक ये दुपट्टा है। और ये आखिरकार ये डिज़ाइनर है तो इस तरीके की लेंथ चल जाती है, क्योंकि हमारे लेने पे डिपेंड करता है, हम लुक कैसे क्रिएट करते हैं, हम दुपट्टा कैसे संभालते हैं, कैसे लेते हैं, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है। तो मैंने आपको लेके दिखाया है कि किस तरीके से ये ड्रेस आखिरकार वेयर करने के बाद लगता कैसे है। तो इसका कलर और जो इसका टाइप है, इसका जो डिज़ाइन है, इसको लेके मुझे इसकी प्राइस इतनी भी ज़्यादा नहीं लग रही। मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत सही लगा है, तो इसलिए मैंने से इसको लिया है। तो ये मेरा सेकेंड। ऑटो स्पेशल वाला ड्रेस है ना, वो मैं सबसे लास्ट दिखाने वाली हूँ। अभी 2 ड्रेसेस दिखाने बाकी है, तो जो मेरा सबसे फेवरेट है वो मैं सबसे लास्ट दिखाने वाली हूँ। उसके पहले मैं ये दिखाऊंगी। मेरे पास अनारकली टाइप ड्रेस आज तक 2-3 ड्रेसेस ही थे, क्योंकि आपको पता है मुझे ज़्यादातर साड़ीज वेयर करना बहुत सही लगता है, तो मैं ड्रेसेस पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी। जो भी ड्रेसेस थे वो घर में पहनने के लिए और सिंपल से ड्रेसेस हुआ करते थे मेरे पास। लेकिन अब मैं बहुत अच्छे वाले, सही वाले ड्रेसेस वेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने साड़ियाँ लेना कम किया है और ड्रेसेस लेना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ मैं खुद के लिए। तो मैं ड्रेसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ये मेरा 3रा ड्रेस, और ये भी बहुत सही वाला ड्रेस है। इसको भी मैंने वेयर करके आपको दिखाया है, लुक आपको पता चल जाने वाला है। यहाँ पे स्लीव्स है 3-4, सभी जो ड्रेसेस है उनकी जो स्लीव्स है वो 3-4 आएगी। और ये प्यारी सी लेस है यहाँ पे सिल्वर कलर की यहाँ पर भी। और ये भी कलर आज तक मेरे पास नहीं था सही में यार। इसमें जो 2 कलर है ना,
ये दोनों कलर आज तक मेरे पास नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट, मैं फर्स्ट टाइम ये कलर का ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। इसमें मुझे अच्छी जो बात लगी ना वो ये है, उन्होंने वेस्ट में इस तरीके से नॉट्स दिए हुए हैं ताकि आप रैप करके फिर यहाँ पे इसको नॉट कर सकते हो और गांठ बांध सकते हो। जैसे कि इस तरीके से लटकन्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, लटकन्स आप पास से देख सकते हो। इसकी क्वालिटी, इसको इतना सही से बनाया है ना, मुझे लगता है ये हैंडी वर्क है, हाथों से मुझे लगता है इसको बनाया हुआ होगा। बहुत सही वाला लटकन है ये। इसका जो बॉटम है ना वो मुझे थोड़ा सा अलग क्यों लगा, क्योंकि इसका कलर फेंट है और टॉप का कलर डार्क है, लेकिन हम जब इसको ऐसे देखते हैं ना तो इतना सही नहीं लगा मुझे क्या बॉटम। लेकिन जब मैंने इसको वेयर किया और जब मैंने पूरा लुक देखा, देन आई एम फॉल इन लव इन दी ड्रेस। मुझे तो इन सभी ड्रेसेस पे इतना प्यार आ रहा है ना, इतने प्यारे ड्रेसेस यार इतने कम प्राइस में कैसे मिल सकते हैं, वो भी क्योंकि सिलवाने जब भी हम जाते हैं कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हमें फैब्रिक भी लेना होता है, हमें स्टिचिंग के भी पैसे देने होते हैं, अगर फैब्रिक पतला होगा थीन होगा तो हमें अस्तर भी लगवाना होता है, और मटेरियल से ज़्यादा अस्तरों की कीमत आजकल ज़्यादा हो रही है। मेरे से ज़्यादा स्टिचिंग की जो सिलाई की जो फीस होती है वो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मुझे पहले इट मीन्स अभी भी ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हम सिलवा के लेते हैं ना उसकी फिटिंग और जो भी रेडीमेड लेते हैं उसकी फिटिंग में बहुत फर्क होता है, और मुझे फिटिंग सा कुछ चाहिए होता है हमेशा से, तो मैं ज़्यादातर सिलवा के ही चीज़ें वेयर करती हूँ। अभी मैं टॉप्स लेने लगी हूँ, मैं पहले तो मटेरियल लेके ही पंजाबी ड्रेसेस सिलवा के लेती थी, जैसे मुझे पटियाला पैंट अलग अलग टाइप के चाहिए हो तो उस टाइप में मैं पैसे खर्च करके अच्छे से बुटीक में जाके फिर पंजाबी ड्रेसेस सिलवाती थी, लेकिन अब मैं वैसा नहीं कर रही क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में है कि फिटिंग सा नहीं वेयर करते, लूज लूज से ही कपड़े रहते हैं आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है वो, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही अभी ट्राई करूँ अलग से पैटर्न करके, क्योंकि अगर मैं ये सिलवा के लूँ ना तो मुझे तो बहुत गर्म पड़ने वाला है। लेकिन ये इतने कम प्राइस में, इतने कम पैसों में इतने सारे ड्रेसेस मुझे इतने सही से रिसीव हुए हैं ना, आपको कहीं पे भी कुछ भी कोई भी ड्रेस देखने की जरूरत नहीं, आप आँख बंद करके ये चारों के चारों ड्रेसेस अपने पास बुलवा सकते हो, इतने प्यारे। हाँ, जो भी फैब्रिक के साथ मुझे ड्रेसेस रिसीव हुए हैं ना, वही फैब्रिक वही एक्चुअल में ड्रेस आपको रिसीव होने वाला है, वही और वही ड्रेस आपको रिसीव होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ भी सोचने का नहीं, सीधा लेने का, क्योंकि दिवाली बहुत पास आ रही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं, फिर आपको फिर फिटिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है इस क्लोथ को लेके। मैंने तो कर लिया सब कुछ रेडी। तो ये बॉटम है, यहाँ पे फ्री लाई का बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत गहरा है ये सभी जो ड्रेसेस हैं इनको घेरा बहुत है। लास्ट जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ इसका घेरा देखिए, आपको चक्कर आ जाएगी क्योंकि बहुत प्यारा वाला ड्रेस है। मैं आपको दिखा के ही बताती हूँ, मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस ये ऊपर से ऐसे आएगा, यहाँ पे सिल्वर सी इस तरीके से लेस आएगी, ट्रायंगल शेप है उसका, छोटे 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 ट्रायंगल्स यहाँ पे आएंगे, ये इस तरीके की लेस है और प्योर वाला कॉटन जो होता है वो कॉटन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये देखो ये नीचे से ऐसा आएगा और इसकी लंबाई मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है और सीधा यहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे, ये देखो मैं आपको माप के दिखाती हूँ, ये डबल लेयर है, हाँ ये डबल लेयर है जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने रुको ये देखो यहाँ पे स्टिचिंग की हुई है, यहाँ से स्टिच है, मैं यहाँ से पकड़ूंगी और ये देखो आप ये हुआ यहाँ तक, ओके
फिर मैंने पकड़ा, ये हुआ यहाँ तक, फिर ये तीसरा देखा, फिर ये देखो ये चौथा। अभी आप ही इमेजिन करो कितना घेरा होगा इस ड्रेस को, ये 1 मीटर। मैं इतना डीप में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जो ड्रेस ले रहे हो वो आखिर है कैसा और आपको वैसा ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 3.25। देखा इतना गहरा है इसको, और ये प्रिंट भी इतनी प्यारी वाली बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली है, फिक्स प्रिंट है, कैसे भी वॉश करो कुछ भी करो प्रिंट निकलने नहीं वाला, और प्लेन है ऊपर से, नीचे से इस तरीके से कांट आएंगे। ये ड्रेस नहीं हुआ पूरा, इसका बाकी है अभी टॉप ऊपर का, जिसको हम श्रग कहते हैं, श्रग करके है ये देखो। वेट, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, ये इसके ऊपर आने वाला है ये वाला श्रग, ये स्लीव्स ऊपर से। आप चाहो तो वो सिंगल पीस भी वेयर कर सकते हो, और आपके मूड पे डिपेंड है, और अगर आप चाहते हो दोनों भी पीसेस डालें तो ये दोनों भी, ये भी श्रग भी आप उसके ऊपर वेयर कर सकते हो। ये स्लीव्स है, स्लीव्स की प्रिंट आप देख सकते हो करीब से, कितनी प्यारी प्रिंट है, और बिल्कुल भी चीप वाला कुछ भी, जो चीप वाला फैब्रिक होता है, चीप वाला डिज़ाइन होता है, जो लेस होती है चीप वाली, वैसा कुछ भी नहीं है। ये प्रिंट भी बिल्कुल भी, ये जो लेस है बिल्कुल भी इचिंग वाली या चुभने वाली नहीं है, पूरा प्लेन है। और ये आगे से यहाँ पे आपको ये गोल्डन लटकन्स आएंगे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से नॉट्स है, नॉट्स को लटकन्स है, ये 2 नॉट्स, ये तीसरा नॉट, ये तीसरा नॉट और ये चौथा नॉट आगे से लॉक करने के लिए, और ये इस तरीके से लटकन्स उसको दिए हुए हैं। और ये आपको मैं प्लेट दिखाती हूँ इसकी, ये है प्लेट्स और ये है घेरा। देखा इसको भी मैं आपकी दिखाऊँ क्या, वेट दिखा देती हूँ, अगर वो भी दिखाया है तो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, वेट अभी बाकी है 5 और ये 6। अभी आप इमेजिन करो इसको घेरा आखिर है कितना, और ये ड्रेस आखिर है कैसा। ये इतना रिच वाला ड्रेस है, इतना सही वाला ड्रेस है, हाँ लेकिन इसकी प्राइस भी उतनी ही ज़्यादा है, हम ले सकते हैं यार दिवाली के दिनों में हम ले लेते हैं इतने पैसों का। तो ये आपको मिलेगा 1200 में, 1200 और 1200 नो, ये आपको मिलेगा, पैसा वसूल है यार, इतना प्यारा ड्रेस यार, इतना गहरा, और वेयर करने के बाद क्या सही वाला लुक आता है, मैंने आपको वो भी दिखाया है। आप मेरे बकबक करने के बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, तो देखना चाहते हो सीधा चलो देख ही लो। गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ आपको इनमें से कौन से ड्रेसेस कितने ज़्यादा पसंद आए ये भी बताना, ताकि मुझे पता चले मेरी जो पब्लिक है उनको, उनकी चॉइस आखिर है कैसी, मेरी जैसी है या नहीं है। तो आपको मुझे फीडबैक जरूर देना है, किस किस ने ड्रेसेस लिए हैं ये भी मुझे बताना है,
पक्का 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 कमेंट सेक्शन में आपको ड्रेसेस रिसीव होने के बाद लगे कैसे ये भी बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी पब्लिक आखिर खुश है कि नहीं है। तो इसीलिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ये सभी चीज़ें, और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये भी बताना। और हाँ गाइज, इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि मैं, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, और एमएक्स टकाट स्नैक वीडियो ये सभी जो सोशल मीडिया के ऐप्स है इसमें अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट जाइए और वहाँ पर मुझे आपका प्यार दीजिए। मुझे आपके प्यार की और आपके लव की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो, वैसे ही आपने मुझे वहाँ पे सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, मैं और मुझे खुद को भी बहुत पसंद आते हैं। तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ, जब भी कुछ करती हूँ, मैं वीडियोस बनाना नहीं भूलती, और इंस्टाग्राम पे मैं मेरी जो डेली रूटीन की छोटी छोटी अपडेट्स है वो भी डालती रहती हूँ। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आपको मेरी हर एक मूवमेंट के बारे में पता चलने वाला है। वहाँ पे मेरी स्टोरीज रहती हैं हर रोज़, तो अब मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है pratiksha.v.b, और फेसबुक पे मेरी आईडी है प्रतीक्षा पगार बनकर, और स्नैक पे मेरा आईडी नेम है pratiksha.v.b, एमएक्स टकाटक पे भी pratiksha.v.b, और ऑफिशियल करके मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाएगा मैं ही हूँ। तो सपोर्ट करना नहीं भूलना है, और मेरा लुक कैसा लगा ये भी मुझे आपको बताना है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take care, bye-bye.